रियासत ही करती है ना मैनेज, सारे इलेक्शन जो है वो रियासत ही कराती है, तो ये इलेक्शन भी रियासत ही कराएगी, रियासत के अदारे कराएंगे, इलेक्शन कमीशन कराएगा, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको मॉनिटर करेगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, अदलिया भी होगी, हुकूमत निगरान हुकूमत भी होगी, यही सारा सेटअप होगा जी। लेकिन सर मतलब किसको कितनी सीटें मिलनी है सर, ये तो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाएगा, ये तो आप माशाल्लाह से बेहतर जानते हैं, तो ये फैसले कौन कर रहा होगा सर? नहीं, ये तो तखमीने है ना, ये तो अंदाजे है ना, ये अंदाजा जी है, जरूरी तो नहीं होता कि इलेक्शन 100% वैसे ही हो जाए या वैसे ही नतायज आ जाए, लेकिन जाहिर है इलेक्शन से पहले नतायज तखमीना लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है। तो मैंने ये लिखा है कि आजकल जो ऊपर की सतह है हमारे, वो लोग जो रियासत को चला रहे हैं, उनका ये अंदाजा है कि भाई इतनी सीटें फला लेगी, इतनी सीटें फला लेगी, हंग पार्लियामेंट होगी, और जाहिर है जो बाकी सीटें हैं वो मुख्तलिफ जमातों में लेके, जिनमें तहरीक इंसाफ भी होगी या तहरीक इंसाफ के हमदर्द होंगे। तो ये मैंने एक मंजरनामा खींचा है जो ऊपर जी डिस्कस हो रहा है, और वो मैंने लोगों तक पहुंचाया है कि वहां पे क्या डिस्कस हो रहा है। जाहिर है इस पे एतराजात भी होंगे, तहफात भी होंगे, जैसे पिछली दफा थे, पिछली दफा भी इलेक्शन पे बहुत से साफियों को एतराजात थे, बहुत से सियासतदानों को एतराज थे, कहा गया कि जी ये कंट्रोल्ड इलेक्शन है, ये आरटीएस इलेक्शन है, ये ठीक इलेक्शन नहीं है, इस दफा के इलेक्शन पे भी एतराज होगा। लेकिन असल बात यह है कि तजर्बात ने हमें ये सिखाया है, जाहिर है पाकिस्तान में कोई आइडियल डेमोक्रेसी तो है नहीं, और यहाँ ये भी नहीं है कि जो मकबूल जी हो वही हुक्मरान होगा, या कबूलियत और मकबूलियत दोनों साथ साथ चलती हैं। तो याद रखना चाहिए कि इलेक्शन जो है वो बहरहाल इलेक्शन ना होने से बेहतर है इलेक्शन होना, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद चीजें, सियासत जो है चलती है, कुछ ना कुछ आपको आजादियां मिलती हैं, कुछ ना कुछ जमहूरियत चलती है, इसलिए सारे लोग, सारे दुनिया के ममालिक भी, अमेरिका समेत भी, मैंने अपने कॉलम में भी लिखा है कि वो सारे ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाए, ठीक है, और जब इलेक्शन होगा तो जी चाहे उस पर बहुत से लोगों को तहफात भी होंगे, क्योंकि उसमें हो सकता है सबको उतनी आजादी ना हो, हो सकता है एक के हाथ बांध कर दूसरे के हाथ खुले हों, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि 1990 के इलेक्शन में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को बड़ी शिकायत थी, लेकिन वो 17 सीटों के साथ जाके एक असेंबली में बैठ गई थी। नवाज शरीफ के साथ भी 2002 में इसी तरह की ज्यादती हुई, 2018 में भी हुई, लेकिन इसके बावजूद वो जाके पार्लियामान में बैठ गए। तो ये सियासी जो लोग होते हैं ये बड़े प्रेगमेटिस्ट भी होते हैं, ये अपनी जातियों को भी बर्दाश्त कर लेते हैं और आगे को चलते हैं, और मुल्क को चलाने के लिए बहरहाल आगे जाना पड़ता है। अच्छा सर, जिस तरह मतलब आपने जिक्र किया कॉलम में ही, पीपल्स पार्टी को कराची में भी अच्छी खासी नशस्तें मिल जाएंगी, हालांकि कराची शहर की बात करें तो पीपल्स पार्टी वहां मकबूल नहीं है, वहां तो उनका हमेशा से वोट बैंक इतना नहीं रहा, तो सर ये एक मंसूबा है या ये मतलब मंसूबा बन चुका है कि ऐसा ही होगा, या ये भी इसको भी तजिया या तखमीना ही समझा जाए? नहीं, मेरा ख्याल है आपने कॉलम गौर से नहीं पढ़ा, बार बार मैंने तजिया लिखा है, तखमीना जी लिखा है, मंसूबे का लफ्ज कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बुनियादी बात यह है कि पीपल्स पार्टी 2 सीटें, 3 सीटें पहले भी जीतती है कराची से, और पिछले दिनों में उसने और भी ऐसी सीटों से फतह हासिल की है जो पहले कभी हासिल नहीं की थी, और ये अंदाजा है अगेन, और अंदाजे जो हैं वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। मैंने तो आपके सामने वो सोच रखी है जिसका इजहार मैंने सुना है। अच्छा वड़ाई साहब, इस सब को भी मैनेज किया, एक हंग का पार्लियामेंट की बात हुई ना सर कि एक हंग पार्लियामेंट हो सकती है, अगेन ये अंदाजा है तखमीना है, तो सर ये एक स्टेबल कभी भी नहीं रहती हंग पार्लियामेंट, वो हमेशा इनस्टेबल रहती है सर, तो अगला दौर भी इनस्टेबिलिटी का होगा या फिर इसको भी मैनेज किया जा रहा होगा? जाहिर है हंग पार्लियामेंट कभी भी उससे इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं बनती, उसकी वजह ये होती है कि इफेक्टिव गवर्नमेंट के लिए आपको लेजिस्लेशन करनी पड़ती है, और जब लेजिस्लेशन कंफर्टेबल ना हो तो डिफिकल्टी होती है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि हंग पार्लियामेंट जो है उससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी, लेकिन दिस इज वॉट इज बींग बींग थॉट आउट एंड बींग एस्टिमेटेड।
राइट वड़ा साहब, बिल्कुल आखिरी आखिरी सवाल आते हैं सर। एक ऐसी जमात जो कि जिसके जिसके लीडर इस वक्त हैं जेल में हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इंतखाबात के अमल से भी बाहर रखा जाएगा, आपको लगता है कि जो पूरा इंतखाबात का अमल है विद तहरीके इंसाफ स्टेइंग आउटसाइड, वो एक स्मूथ अमल होगा या उसको भी बड़ी दुश्वारी का सामना होगा? मेरा ये ख्याल है कि एक तो हमारे यहाँ बदकिस्मती कह लें, खुशकिस्मती कह लें, कि जब इलेक्शन का गजर बजता है ना, तो उसमें फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बाकी कंसिडरेशन छोड़ के उनकी तवज्जो जो है वो इलेक्शन की तरफ हो जाती है। और हमने देखा है कि 1985 में जो सारी जो सबसे बड़ी सियासी जमात थी पीपल्स पार्टी, वो बाहर बैठी थी और इसके बावजूद इलेक्शन हो गए थे और बड़ा नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी को बाहर बैठने का, क्योंकि एक नई क्लास, पॉलिटिकल नई क्लास ने जन्म लिया। इसी तरह हम देखते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है उसने फिर सबक सीखा और कभी बायकॉट नहीं किया, और थोड़ी सीटें मिलने के बावजूद भी वो हमेशा पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। तो अब भी मेरा ये ख्याल है कि ये जो सारा प्रोसेस होगा, ये जी इलेक्शन से पहले मैनेजमेंट तो होगी, मुझे लगता है, बदकिस्मती है लेकिन होगी, क्योंकि पहले भी होती रही है, अब भी होगी और अब शायद पहले से ज्यादा भी हो, क्योंकि मुश्किल, क्योंकि पीटीआई की मकबूलियत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन क्या उस दिन कोई रेजिस्टेंस होगी, क्या उस दिन जो है वो होगा? तो पोलिंग डे पे आमतौर पर हमारे यहाँ सबको पता है कि पोलिंग डे के ऊपर आमतौर पर हैंकी पैंकी नहीं की जाती, और जो भी करना होता है वो उससे पहले ही कर लिया जाता है, क्योंकि पोलिंग डे पे लोगों के जज्बात भड़के होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी जरूरत नहीं करता कि उस दिन कुछ ऐसा हो कि कोई चैलेंज जो है वो दरपेश हो। ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद आप समझते हैं कि ये एक जो सेटअप है ये पाकिस्तान के मसाइल हल, जो भी प्रपोज सेटअप के हैं, जो भी एस्टिमेटेड सेटअप है सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत है, ये उसको हल करने के काबिल होगा? देखिए, एक तो मेरा मेरे नजरियात है, मेरे नजरियात के मुताबिक तो जाहिर है इलेक्शन भी फेयर होने चाहिए। मेरे ख्याल में तो पीटीआई को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, और मेरे ख्याल में जितनी देर तक प्योर डेमोक्रेसी नहीं आती उस वक्त तक इकोनॉमी के मसले भी हल नहीं हो सकते। लेकिन मेरे ख्याल को छोड़े, मैंने तो अपने कॉलम का आगाज ही यहाँ से किया है कि तजियों, तबसरों और मशरों को छोड़े, ठीक है, ये तो हमारे हमारे तक है। सवाल ये है कि इस वक्त वो हो क्या रहा, होने क्या जा रहा है? तो उसमें बुनियादी बात यह है कि वो ये समझते हैं कि अहले सियासत के वो हिस्सा जो जीत के आएगा और जो एस्टेब्लिशमेंट में है वो मिलकर मुल्क की इकॉनमी को ठीक करेंगे। हाँ, ये वर्केबल है या नहीं, हमारे तो इस पर तहफात है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ना पार्लियामेंट वर्केबल होती है, ना इस तरह से आप किसी को सियासत के अमल से बाहर रख के आप जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन शायद जो इस वक्त रियासत के अमूर चला रहे हैं वो हमारे से इत्तफाक नहीं करते, और उनका ख्याल है कि वो इस काबिल हैं। अब भी वो बेहतर मुल्क को कर रहे हैं, उन्होंने डॉलर बेहतर किया है, उन्होंने इकॉनमी को बेहतर किया है, उन्हें बाहर से पैसे आने की उम्मीद है, उनका ख्याल है कि हम मुल्क को क्राइसिस से निकाल लेंगे। ये अब दो परसेप्शन हैं, अब देखें इसमें से कौन कामयाब होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।